अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक टू लर्न डेली फिजिक्स। तो आज जैसा आप देख सकते हैं, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू कोर्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू कोर्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर फिज़िक्स। तो इसके अंदर होगी ज़्यादातर थ्योरी होगी, ज़्यादा इतना हमारा न्यूमेरिकल वर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक समझाऊं। पहले आप मेरी प्लेलिस्ट देख चुके हैं एसएसपी की, ईएमटी की, तो लेक्चर से अंदाज़ा हो चुका होगा। तो ये जो हमने ये वाली नई शुरू की है, नई ये हमने प्लेलिस्ट या नया कोर्स, तो इसका जो पहला टॉपिक है वो आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखें तो है गीगर मुलर ट्यूब, जीएम ट्यूब, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं जीएम ट्यूब। तो जीएम ट्यूब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कि हर इंफॉर्मेशन थ्योरी आपको मैं इस तरह से नहीं दिखाऊंगा कि एक एक लफ्ज़ लिखाऊं, लेकिन वो एक एक लफ्ज़ मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप इस लेक्चर के बाद जीएम क्यूब का वायवा देने बैठें तो इंशाल्लाह वो जो आई होप कि आपका वो जो वायवा होगा वो ज़बरदस्त होगा। तो चलते हैं जीएम क्यूब के अंदर। तो जीएम क्यूब जो थी हिस्ट्री में, आप इसकी क्या बताऊँ, गीगर मुलर ने ये बनाई थी। तो अब गीगर मुलर ने इसको इस तरह से बनाया था कि एक ये ट्यूब होती है, इट्स सो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ट्यूब है ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एनोड होता है, यू कैन सी वी हैव वन एनोड एंड वन कैथोड। अब होता क्या है, एक इसके अंदर फिल्ड होती है गैस, ठीक, मिक्सचर ऑफ गैस होता है, वो भी हम पढ़ते हैं कि कौन सा मिक्सचर ऑफ गैस होता है हमारे पास। होता यूं है कि जब रेडिएशन होती है अल्फा बीटा गैमा रेज इंटर, इट आयनाइजेस द एटम प्रेजेंट हेयर। गैस का जो एटम यहाँ पे होता है वो आयनाइज हो जाता है। तो आयनाइज जब होता है तो हमारे पास एनोड और कैथोड की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, उस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास पल्स जनरेट होती है। उस पल्स को क्या करता है, ये हमारे पास ये काउंटर लगा हुआ है, ये काउंटर उस पल्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो ये जीएम ट्यूब है, इसके अंदर गैस कौन सी होती है, मिक्सचर होता है, क्यों मिक्सचर होता है, किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, उनका पर्पस क्या है, तो वो आज मैं आपको इन लेक्चर्स के अंदर गीगर मुलर ट्यूब का वो बताऊंगा। तो लेक्चर के एंड तक बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कर दें, ताकि आप जो बाकी इसकी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो डायग्राम अब आपको इसकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जीएम ट्यूब के अंदर यहाँ पे जो गैस फील्ड है वो कौन कौन सी हैं, गैस फील्ड कौन कौन सी हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो पेज को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो गैस फील्ड को मैं कह देता हूँ कि इसका जो मीडियम है, जो जीएम ट्यूब के अंदर मीडियम है, तो इसमें मीडियम दो तरह का है। कौन कौन सा, मैंने आपको कहा कि इस तरह से थ्योरी मैं नहीं लिखाऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा आपको। तो दो मीडियम है हमारे पास, कौन कौन से, पहला मीडियम है जी प्रिंसिपल गैस, क्या है, प्रिंसिपल गैस, और जो हमारे पास दूसरा है वो है क्वेंचिंग गैस, उसको हम क्या कहते हैं, क्वेंचिंग गैस, ठीक है। ये दो गैसेस होती हैं, इनका मिक्सचर होता है, ठीक है, कि 90% हमारे पास वो नोबल गैस एंड 10% ऑफ अल्कोहल। तो वो जो नोबल गैस होती है यहाँ पे वो प्रिंसिपल गैस होती है, और जो 10% अल्कोहल होता है वो क्या होती है हमारे पास, क्वेंचिंग गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल गैस है उसके अंदर कौन सी गैस आती है हमारे पास, नोबल
गैस। ओके, और जो क्वेंचिंग के अंदर आती है वो कौन सी है? हैलोजन्स, अल्कोहल, हैलोजन्स के ब्रोमीन, इस तरह के ब्रोमीन। और ब्रोमीन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, बाकी भी आप कर सकते हैं लेकिन मोस्टली ब्रोमीन ही इस्तेमाल होता है। तो एग्जांपल क्या है इसकी यहाँ पे? दैट इज नियॉन, ऑर्गॉन भी इस्तेमाल होती है, नियॉन, ऑर्गॉन, ईटीसी, एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप लिख लें Br2। Br2 वेपर फॉर्म के अंदर हमारे पास उसके अंदर होती है। तो अब इनका फंक्शन क्या होता है, हम अब डिस्कस करते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। तो पहला ये है कि इनका पहला फंक्शन ये है कि ये वाली जो प्रिंसिपल गैस है, अब डायग्राम की तरफ चलते हैं, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम के अंदर जाएं तो यहाँ पे एक आयोनाइज गैस हो रही है। ये जो गैस आयोनाइज हो रही है, यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ, इस वाले एटम को, दिस एटम हेयर, ये जो रेड वन है, ये जो आयोनाइज हो रहा है, अब ये जो आयोनाइज हो रहा है ये वो नोबल गैस का एटम है जो आयोनाइज हो रहा है। दिस एटम इज ऑफ नोबल गैस, ये समझे कि नियॉन का एटम था, क्योंकि नोबल होती है वैलेंसी उसकी पूरी होती है पहले तो, ठीक है। अब होता प्रोसीजर क्या है, यहाँ से आपकी पहले तो नोबल गैस, नोबल का मतलब शरीफ गैस, किसी के साथ उसका कोई उलझना, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इंटरेक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इधर से भेज दी, एक फितना भेजा है, एक भाई फसाद की चीज़ भेजी है कि जिसने इसमें लड़ाई, इसमें जो सा फतूर डालना है, इसके अंदर भाई इसका दिमाग ख़राब कर देना है, ठीक है। उसने आके तो यहाँ से रेडिएशन आती है, रेडिएशन यहाँ पे आती है तो एक फिनोमेना होता है आयोनाइजेशन का। वो फिनोमेना होता किस तरह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि दो तरह के अब यहाँ पे फिनोमेना होते हैं, आयोनाइजेशन दो तरह से हो जाती है, ठीक। एक तो आयोनाइजेशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, अगर कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है या बीटा पार्टिकल आ रहा है, तो अल्फा पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ जब वो आएगा तो अट्रैक्शन होगी, वो अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है कि एटम को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब वो क्या करता है कि उसकी अट्रैक्शन होगी, अल्फा या बीटा पार्टिकल की अट्रैक्शन रिपल्शन होगी, उसकी वजह से आपके पास आयनाइजेशन होगी। लेकिन जब आप बात करते हैं कि लेट सपोज आई से दिस इज अ गैमा रे, व्हेन दिस रे कमिंग हेयर इज अ गैमा रे, तो ये किस तरह फिर करेगी आपके पास, ये आयनाइजेशन क्या करेगी, ये तो क्या पेनिट्रेट कर जाएगी बिल्कुल इसी तरह। आपका क्या जवाब होगा कि क्या ये पेनिट्रेट, जब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है वाइवा के अंदर, मोस्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं, वो पहले ही आपको ये कह देंगे अल्फा बीटा के लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, जबकि गैमा तो हमारे पास न्यूट्रल होती है, तो क्या आप गैमा को डिटेक्ट नहीं करते? तो मोस्टली लोग ये कह देते हैं, उनके जहन में ये सवाल आ जाता है कि नहीं, गैमा को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो सिंपली जवाब ही ये दे देते हैं कि सॉरी सर, वी कैन नॉट डिटेक्ट गैमा हेयर, बट वी कैन, कि इसके लिए प्रोसीजर होता है, उसको कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ऑप्टिकल पंपिंग। पहले क्यों ये इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है फॉर आयोनाइजेशन, ठीक। एक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, और एक ये होता है ऑप्टिकल पंपिंग। अब ऑप्टिकल पंपिंग होती क्या चीज़ है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑप्टिकल पंपिंग किस तरह होता है कि पंप, जिस तरह आपके पास एक एयर पंप होता है, ठीक है, आपने एक फुटबॉल के अंदर या एक बॉल, एक बैलून के अंदर हवा भरनी है, आप जब उस बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, वो ग्रेजुअली ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यूं पहले छोटा रेडियस, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। इसी तरह ऑप्टिकल पंपिंग के अंदर क्या होता है कि लाइट इज अ फोटोन,
गैमा रे इज अ फोटोन, इट हैव सम एनर्जी, सो व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन दिस एटम इट गिव्स इट्स एनर्जी. द एनर्जी फ्रॉम दिस फोटोन फ्रॉम दिस गैमा रे इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस एटम. ठीक है, ये जो एटम है ये क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है. जब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ऑप्टिकल पंपिंग इज अ फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर लोअर ऑर्बिट जंप्स टू द हायर ऑर्बिट. और जब हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा. जैसे पंप से ऐसे पंप बैलून में हवा भरे तो क्या होता है, बड़ा 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 और बड़ा. इसी तरह वो क्या होता है ऑप्टिकल पंपिंग से, इस तरह आपका ये बड़ा हो जाता है ऑर्बिट. और क्या होता है कि अगर वो वेलेंस में पहले ही वेलेंस में है, उसके पास आउटर मोस्ट कोई शेल ही नहीं है, तो वो क्या होगा, जंप करके आपका इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देगा और एटम से बाहर चला जाएगा. जब एटम से बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, वो आपके पास आयन बन जाएंगे. कि जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ये एटम था ऑर्बिट मेरा बड़ा अजीब सा बना है. अब ये यहाँ पे आपके पास क्या था, ये एक इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, यहाँ पे क्या आया, एक फोटोन ने आके हिट किया. जब फोटोन ने आके यहाँ पे हिट किया तो इस एटम में से ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया और यहाँ पे क्या हुआ, इस एटम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे अगर नियॉन है तो नियॉन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारा निकल जाएगा. तो इस तरह से क्या होती है, ऑप्टिकल पंपिंग से हमारे पास आयनाइजेशन होती है एंड वी कैन डिटेक्ट न्यूट्रल रेज, न्यूट्रल पार्टिकल्स और न्यूट्रल रेज वी कैन डिटेक्ट देम. ठीक है, तो अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है, आयनाइजेशन किस तरह से होती है. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि अब ये आयन यहाँ पे हमारे पास बन चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है. ये जो ये अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ये वॉल्स जो है हमारी, ये वाली वॉल्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज. इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी. ये सारी जो हमारी वॉल है, पूरी सिलेंड्रिकल वॉल है, उस पे क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है. अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. जब यहाँ पे पॉजिटिव पे ये अट्रैक्ट होता है तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से हमारा ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ तक आता है काउंटर में, काउंटर से होके कहाँ जाता है, वॉल्स पे. उतने में क्या होता है कि वॉल्स पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है और आपका ये जो नियॉन है या इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव हो जाता है. पॉजिटिव होने की वजह से ये देखें डायरेक्शन आपके पास बनी हुई है, इसकी डायरेक्शन ये आपको दिखा रहा है कि ये वॉल्स की तरफ जा रहा है. ये वॉल की तरफ जब दीवार की तरफ जाता है, दीवार पे जाके वही इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, फिर से अचीव कर लेता है. ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के सर्किट पूरा करके इधर जाता है नेगेटिव पे, वहां पे चला जाता है उस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ काउंटर में आता है, तो काउंटर क्या करता है, काउंटर एक उस इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो मूविंग चार्ज होता है, चेंजिंग चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जनरेट्स करंट, वो जो करंट है वो एक पल्स जनरेट करता है. उस पल्स की वजह से हमारे पास ये जो जीएम काउंटर होता है ये रीडिंग शो करता है कि एक पल्स गुजरी, एक पल्स की वजह से उसने काउंटर पे एक लिखा हुआ आ गया, दो गुजरी दो लिखा हुआ आ गया, तीन पल्सेस गुजरी, तीन दफा इलेक्ट्रॉन एक दफा गुजरा, दो दफा, तीन दफा उसने बताया भाई तीन दफा गुजर गए हैं. तो अब मसला क्या होता है यहाँ पे, तो हमारा सारा सिस्टम तो जोन सा है वो नोबल गैस से चल रहा है, देन वाई वी आर यूजिंग क्वेंचिंग गैस. ठीक है कि पल्सिस हमारे पास आ गई, ठीक है पल्सेस तो हमने सारी ले ली, मैंने आपको बताया जी पल्स आ गई, पल्स से आपको पता लग गया कि कितनी रेडिएशन है, एक पल्स दो पल्स तीन रेडिएशन. देन व्हाई वी आर यूजिंग, क्वेश्चन राइजेस हियर, समवन कैन आस्क यू देन व्हाई वी आर यूजिंग क्वेंचिंग गैस, कैन यू प्लीज आंसर मी दैट दैट व्हाई वी आर यूजिंग क्वेंचिंग गैस. तो इसका जवाब ये है कि
अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यहां पे है नेगेटिव चार्ज, यहां से उस पॉजिटिव ने आके अपना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। जब वो अट्रैक्ट करता है ना अपना इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट ट्राइज टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, उसे ये तो नहीं पता कि यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो मेरा इलेक्ट्रॉन था वो कोई उसने पहचान लिया, इलेक्ट्रॉन तो सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। उसने खींचा, उसने एक को अट्रैक्ट करना था तो तीन आ गए उसके पास, एक अट्रैक्ट किया तो वो अट्रैक्शन की वजह से तीन आ गए। अब वो जो दो फालतू दो, एक जो जो फॉल्स इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, FALSE, फॉल्स झूठे इलेक्ट्रॉन, जो नकली इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, उनका क्या करें? वो तो फिर जब यहाँ पे एनोड पे आ जाएंगे वो तो फिर से एक पल्स जनरेट हो जाएंगी, तो दो पल्स हमारे पास फालतू आ जाएंगी जो कि हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। वो दो जो पल्सिस हमारे पास फालतू आ जाएंगी उनको हमने रोकना है, वो किसी तरीके से हमने उनको वहां तक एनोड तक नहीं पहुंचने देना, कि वो जब एनोड पे पहुंचेंगी तो हमारे पास पल्स जनरेट हो जाएगी, और पल्स जब जनरेट होगी तो हमारी तो सारी रीडिंग ही तबाह हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फिर, अब हमारे पास जरूरत आ गई है क्वेंचिंग गैस की, सही। तो अब हमारे पास जरूरत आई क्वेंचिंग गैस की। अब क्वेंचिंग गैस क्या करती है कि Br2 जोन सा एक मॉलिक्यूल है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दोनों पे वन वन वैलेंसी होती है, दोनों कवलेंट बॉन्ड बना के आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या करते हैं, अपने वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं। सेवन सेवन दोनों के पास हैलोजेंस होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनके क्या होते हैं, सेवन होते हैं, सेवन सेवन शेयर करके दे बॉन्ड इस तरह के Br, फिर एक और Br, इस तरह ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब वो कहता है कि अब इसका पता चला कि इसका क्या मकसद है, टू स्टॉप, ओहो स्टॉप की गलत लिख दी है मैंने स्पेलिंग, टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम कैथोड। तो अगर आप इस पे पैराग्राफ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप इस लेक्चर को समझ लेते हैं कि मेरा पैराग्राफ लिख के मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं करना, मैंने आपको चीज़ समझानी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे चीज़ समझ में आ रही है। अगर जिस सीक्वेंस के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ इसी सीक्वेंस के साथ आप क्वेंचिंग गैस, प्रिंसिपल गैस, अलग अलग इस पर पैराग्राफ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो वाइवा में कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि जिसका जवाब आप दे ना सकें, सही। तो अब वो रोकती कैसे है, अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि वो रोकती कैसे है, ठीक है। तो उसको रोकने का तरीका ये होता है कि ये वेपर फॉर्म के अंदर यहाँ पे पूरी इसके अंदर फैली हुई है, ठीक है, ये Br2 जो है हमारे पास हर जगह फैली हुई है। अब ये वॉल्स के पास भी होती है, होता यूं है कि जब ये एक्सटर्नल फॉल्स इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये फॉल्स इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं किसके ऊपर, Br2 के ऊपर, Br2 इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एटॉमिक फॉर्म के अंदर आ जाता है। Br इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, समझे, दो इलेक्ट्रॉन लिए ना, एक किसने ले लिया, एक किसने ले लिया, ये Br+Br बन गए, ठीक है। लेकिन ये एटॉमिक के अंदर रह नहीं सकते, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते एटॉमिक फॉर्म के अंदर, ये क्या करते हैं फिर से, वो उनकी जो एनर्जी, इन्होंने एनर्जी ले ली, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी उस इलेक्ट्रॉन की, उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं बची कि वो यहाँ पे एनोड तक जा सके, तो ये क्या करते हैं फिर से आपस में जुड़ जाते हैं, कि ऐसे जाहिर करते हैं कि हमने आपस में झगड़ा कर लिया लेकिन फिर से सुलह करके, तो उस वाले ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको वॉल तक आने नहीं देते। तो इस तरह वो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो वॉल से आ रहा है इसकी अब्जॉर्ब कर जाते हैं, इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती कि ये वॉल्स तक जा सके, तो ये फिर से क्या करते हैं, Br फिर से दोबारा से Br बना लेते हैं, और अगेन फिर वही प्रोसीजर करते हैं, और एक दफ़ा आपने ये ब्रोमीन बीच में भर दी तो ये सेल्फ क्वेंचिंग की वजह से फिर क्वेंचिंग करती है, सेल्फ क्वेंचिंग होती है, हमें बार बार कोई इसके अंदर रद्दोबदल करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा नियोन और आपने ब्रोमीन डाल दिया तो क्या हो गया कि वो खुद ही काम करती रहती है, बार बार आपको गैस फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ क्वेंचिंग एंड ऑप्टिकल क्वेंचिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके,
ठीक है, काउंट रेट कैसे है और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इस लेक्चर का अब टाइम ज़्यादा होता जा रहा है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको गीगर मिलर जोन सा है वो पूरा समझ में आया होगा कि गीगर मिलर होती क्या चीज़ है, कि मोस्टली मेरा जो टॉपिक है, जो मेरा कंसर्न है कि आपको चीज़ समझ में आए। अगर चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।